कुंभ में सबका स्वागत है, सब तैयारियां अच्छी चल रही हैं, हमारी लगातार वार्ता भी है, आप भी कुंभ का आनंद लें और SOPs का पालन करें, सबसे ये निवेदन है। मेला अधिकारी दीपक रावत जी ने आज गंगा पूजा कर सफल संचालन की कामना की है। सर, गंगा पूजा की है, किस तरह से अब हमारी तैयारियां हैं, क्योंकि लंबे समय से लोगों को उम्मीद थी कब से शुरुआत होगी, और क्या आप संदेश देना चाहेंगे कोरोना के इस काल? तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, चुनौती इस बात की है जो तैयारियां हैं उनको लगातार हमें कैसे मेंटेन रखना है, जो फैसिलिटीज़ बनी हैं वो चाक चौबंद रहें, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो सस्टेनेबल रहें, इसी को लेके हमारे प्रयास हैं। कोरोना का जो सवाल आपने उठाया है, इसमें जो बड़ी विस्तृत गाइडलाइंस भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की हैं, उसका सभी से अनुरोध है कि इसका ज़रूर पालन करें। और इसमें मुख्यतः दो तीन बातें ही हैं। पहली बात तो हमारे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, और सेकेंडली प्रवेश तभी दिया जाएगा जब आपके पास RT-PCR कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी, फिर रिपोर्ट आप ज़रूर लेके आएँ, उसको पोर्टल में भी अपलोड करें। कुछ भी एक काम जब शुरुआत होती है तो हमारी आस्था होती है गंगा के साथ, उस पूजा करके या हर चीज़ों करके किया जाता है। आपने पूजा की है, चंडी देवी गए, मनसा देवी गए, तो क्या प्रार्थना आपने की है? ये प्रार्थना की है कि निर्विघ्न कुंभ हो, सुरक्षित हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, जो यहाँ पे आएँ बहुत सुखद अनुभव यहाँ से लेके जाएँ। एक सर, क्योंकि सब चीज़ें शुरुआत हो गई है, एक चौदहवें जिले के रूप में अब महाकुंभ जो क्षेत्र होगा वो पूरा आ गया है, तो अब किस तरह की हमारी आगे की तैयारियां रहेंगी शाही स्नान को लेकर, और जब सब चीज़ें रहेंगी? शाही स्नान तो खैर बड़ा चैलेंज हमारे लिए है ही, उसकी विशेष तैयारियाँ भी होती हैं, विशेष प्रबंध भी किए जाते हैं, और उस दिन भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है। लेकिन बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी हरिद्वार में आते हैं यहाँ से अच्छा अनुभव लेके जाएं, किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो। शाही स्नान में हमने विशेष रूप से लगभग 850 बसें हम अलग अलग बस अड्डों पर लगा रहे हैं, ताकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, कंजेशन ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। जो श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे उनको हम निशुल्क इन बसों के माध्यम से जो नज़दीकी बस अड्डा है वहाँ तक ड्रॉप करेंगे। आपके साथ मेले प्रशासन के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी एक साधु संतों की होती है, उनसे किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, क्या उनसे अपील करते हैं कि आप वो आएँ और सुरक्षित कुंभ का संदेश? साधु संतों से तो हमारा लगातार समन्वय होता है, जो सम्मानित अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधिगण हैं उन सबसे लगातार बातचीत होती है। कुंभ में सबका स्वागत है, सब तैयारियां अच्छी चल रही हैं, हमारी लगातार वार्ता भी है, आप भी कुंभ का आनंद लें और SOPs का पालन करें, सबसे ये निवेदन है। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। आप थे मेला अधिकारी दीपक रावत जी, जिन्होंने कुंभ को लेकर सभी तैयारियां कर ली हैं, और गंगा पूजा कर उन्होंने माँ गंगा से ये प्रार्थना की है कि कुंभ का सफल संचालन हो, और आज से 14वें जिले के रूप में कुंभ क्षेत्र बन गया है, और अभी सभी पावर, सारी जो आधिकारिक पावर होंगी वो मेला अधिकारी के पास होंगी, इसके बाद आगे संचालन कुंभ का किया जाएगा। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।